दिनांक 21 जुलाई को इस समय हम शिप्रापथ थाना मानसरोवर जयपुर में खड़े। हमारे साथ मसीह विश्वासी लोग हैं। समाज की एक सभा चल रही थी जिसमें बच्चों को और महिलाओं को विशेष पुरस्कार और इनाम भी देने थे। समाज का कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व लोग, किसी संगठन विशेष के लोग आए। उन्होंने झगड़ा किया, मारपीट की, और विशेष रूप से जिन बच्चियों के साथ ये हादसा हुआ वो आपके सामने है। मैं इकबाल सिंह लालपुरा जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी कमीशन के आप चेयरमैन हैं, इस वीडियो के माध्यम से, पिछले दिनों हमारी धर्म संसद हुई दिल्ली में, उसमें भी ये विषय हमने आपके सामने रखा था, आज फिर ये विषय रख रहे हैं सबूत के साथ कि इन बच्चों को मारा गया है और ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जो भी संगठन या जो भी अधिकारी उनके साथ शामिल हैं उन तक ये कार्रवाई पहुँचे। और हमारे साथ एडवोकेट सुजन मैथ्यू भी हैं, जो जब उन्हें पता चला वो तुरंत इस थाने में आई और उन्होंने एसओजी साहब से और लोगों से बातचीत की और पूरा सहयोग किया। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैं भारत सरकार के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इकबाल सिंह लालपुरा जी के लिए ये वीडियो बन रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैडम आप और बच्चों जिनके संग ये हादसा हुआ अपने विचार रखें। मुझे मारा गया है, मेरे को जलाने की धमकी दी गई है। जब मैं भागने की कोशिश कर रही थी मुझे वहाँ पे रोका गया और उन्होंने बोला तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मेरे भाई को रोका गया, उसको भी पीटने की कोशिश करी, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर आके चढ़ने लगे। हमने उनसे माफ़ी मांगी, उन्होंने फिर भी हमारी नहीं सुनी और सब हमारे पीछे पड़े हुए थे, पर हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकले और भागे। बेटा आपकी एज क्या है? मेरा एज 18 ईयर्स। मुझे मार रहा था, मैं जब मेरे पापा को लेके जा रही थी तो मैं रो रही थी तो मुझे मारा। आपकी उम्र क्या बेटा? 10 साल। हम क्या है, प्रार्थना करके बाहर निकले थे और खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, तो आके ज़बरदस्ती मतलब कुछ भी बोलने लगे और खाना को गिरवा दिया नीचे और क्या नाम से, हमने कुछ भी नहीं बोला और फिर जाके मारने लगे हमको, फिर हमने कुछ भी नहीं। आपके साथ मार पिटाई की? मैं जब यहाँ पे ये जब प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो मैं उस बीच में गई थी, ये मेरे हस्बैंड को मारने लग गए थे, मेरे हस्बैंड को मुक्का मुक्की की, तो मैं उस बीच में गई तो मुझे वहाँ पे स्थित एक औरत ने मुझे बोला तू बाहर निकल तुझे मैं जला दूंगी। एक लाल कलर का कपड़ा पहन के थी वो औरत और उसने मुझसे बोला कि तू बाहर निकल तेरे को मैं जलाती हूँ। इस तरह की बातें हुई वहाँ। सर ये मामला बहुत संगीन है एक्चुअली, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को हमारे सामने ही पीटा गया है, उनके गर्दन पे उनके चश्मे तोड़े गए हैं, बच्चों को पीटा गया है। हमसे पूछा भी नहीं गया कि हम भजन कीर्तन करने के लिए भले काम के लिए खटे हुए थे और बड़े शांति से काम चल रहा था, सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है सर, और हतापेश हो गई बिना कुछ बोले ही पहले, उसके बाद पुलिस आके और मैडम ने आके हमारी हेल्प की। जब मैं यहाँ आई थी पूरा पास्टर्स वगैरह को अंदर ऑलमोस्ट लाइक यू नो लॉकअप की तरह मतलब अंदर बिठा के रखा हुआ था, कि मतलब उनका पूरा प्लानिंग था कि मतलब उनको अरेस्ट करवा के FIR करके उनको अरेस्ट करके हमारा FIR को ना मतलब इग्नोर करने के लिए और पूरा सबूत मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। पुलिस वालों ने भी मतलब हमारा जो दो तीन लड़कियों के पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग था वो सब उन्होंने डिलीट करने के लिए कोशिश किया। इनफैक्ट एक बंदे ने तो डिलीट कर दिया था बट उसने रिट्रीव कर दिया, इस वजह से थोड़ा बहुत अपने पास सबूत है। वहाँ भी हमने कम्युनिटी सेंटर है वहाँ का भी हमने वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था बट उन्होंने मना कर दिया। बट पूरा इनका मतलब पूरा प्लानिंग ये था कि मतलब अपने पास्टर्स को अरेस्ट करने के लिए था बट हमने कामयाब होने नहीं दिया। इस समय हम लोग मानसरोवर में, पीछे आप दिखा सकते हैं थाना है शिप्रापथ जयपुर और वहाँ पर फ़ोन नंबर भी है, ये थाना है और ये मसीह समाज के कुछ लोग यहाँ पर, जवान बच्चे बुजुर्ग हम लोग यहाँ खड़े हैं। सभा को स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा और सब लोगों को घर भेजा गया, लेकिन जो मुख्य इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ हम यहाँ पर खड़े हैं और ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से विशेष रूप से भारत सरकार तक ये बात पहुँचे कि मसीह समाज को अपने कार्यक्रम करने, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी सभा संगठन करने के लिए संविधान की ओर से और भारत सरकार की ओर से आज़ादी है, स्वतंत्रता है और सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इन बच्चियों को मारा गया, इनको सताया गया, ये इस बात को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो कमज़ोर हो रही है और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, मारा पिटाई कर रहे हैं, खुलेआम बच्चों को मार दिया गया, लड़कियों को मार दिया गया। इसकी जो अब आगे की कार्रवाई है वो मैं भारत सरकार के हाथों में छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसी की शारणदास से चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में सुना कि कैसे जोखिम सी विरोधियों के द्वारा आए दिन ही जोखिम सी लोगों के ऊपर हमला किया जाता है, ऐसे ही हमारी जोखिम सी बहनें, हमारी छोटी छोटी मसीह जो कि बच्चियाँ हैं उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हें जलाने तक की जो कि मसीह विरोधियों के द्वारा कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि एक सभा के बाद जो कि एक सभा चल रही थी उसके बाद जो कि
उस लोगों के द्वारा, कुछ शरारती अंसरों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया, इनकी मारकुटाई की गई, इन्हें जलाने की धमकी तक दी गई और अब तक जो कि प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचाएं कि सरकार ऐसी चीज़ों को देखकर ऐसे विरोधियों को जो कि जल्द से जल्द काबू में करें और इन्हें समझाएं कि कब तक मसीह लोग ऐसे विरोध को सहते रहेंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।